हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। कुछ मेरे जो रैंडम डेज मिला के, लाइक महाशिवरात्रि थे कल, उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा छुट्टी था, तो ये सब मिला के मैंने एक ब्लॉग शूट किया है। तो कल है महाशिवरात्रि, इसके लिए हम कुछ शॉपिंग करने आए थे, पूजा का कुछ सामान लेना था मुझे। तो यहाँ बीच में देखा कि एक मेला चल रहा है, और अभी कोरोना के केसेस भी बहुत कम हो गए, तो इसके लिए हम थोड़ा उसको घुमाने यहाँ ले आए। तो अभी वो उसके अंदर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, उसने भी बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। मैं जब बचपन में थी तो मेरी मम्मी पापा के साथ और मेरे भाई के साथ मैं इस टाइप के बहुत सारे मेले में घूमा करती थी, और वहाँ पे चाट खाते थे, पानी पूरी खाते थे। तो आज ये मेले में आके मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। वो भी मेरी बेटी भी अपनी मम्मी पापा के साथ आई है, तो सारे बचपन की यादें, मतलब ये सब देख के याद आ रहा है। इस टाइप का नहीं था लेकिन वो एनिमल्स वगैरह, लेकिन वो राइड वगैरह जो भी है, वो राइड में हम बैठे थे, वो राइड के बैठने के बाद चक्कर भी आता था, तो ये सब मुझे याद आ रहा है अभी। ये जो एनिमल्स आप देख रहे हो उसके साथ, उस वहाँ पे साउंड भी था, सारे एनिमल्स का अपना अपना साउंड भी उन्होंने रिकॉर्ड करके लगाया था, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और वहाँ बाहर में भी कुछ शॉप्स है, लाइक चूड़ी का शॉप और वो जो ड्रेसेस के शॉप थे, फिर बच्चों के टॉयज़ का कुछ शॉप था। तो यहाँ थोड़ा बहुत हम 10-15 मिनट घूम के फिर राइड के पास चले गए। ये सारे राइड्स हैं जो कि है 3+ या 4+ के बच्चों के लिए है, और मेरी बेटी बहुत छोटी है उसके हिसाब से, तो उसको हमने कहीं पे भी बैठने नहीं दिया। कुछ कुछ राइड्स थे 2+ के लिए, फिर भी हमें लग रहा था कि वो थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद ये सब एंजॉय करेगी वो, अभी देख के ही एंजॉय करने दो उसको। और ये होने के बाद हम घर आए, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला, घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया, आप देख सकते कितना ट्रैफिक है रास्ते में। और फिर नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि है, आके खाना खा के हम जल्दी जल्दी सो गए, और सुबह उठ के हमें मतलब पूजा करना था मुझे, और बहुत सारे काम थे उसके नेक्स्ट डे। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। तो मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उसको मैंने बाहर रख दिया है, क्योंकि वीकली मैं वंस या ट्वाइस उसको बाहर रखती हूँ और पानी देती हूँ। इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो मैंने घर में पूरा प्लांट्स लगाया है। और इवनिंग में हम आए थे टेम्पल, वहाँ पर एक शिव टेम्पल है, वहाँ पर भी लाइन लगा था, क्योंकि शिवरात्रि के दिन तो सब लोग मंदिर आते हैं। तो यहाँ पे आप वो, मैंने छोटा सा एक वीडियो क्लिप शूट किया है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी अभी।
और टेंपल के सामने ही एक पॉन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है वो। हम बहुत बार आते हैं यहाँ पे बैठने के लिए इवनिंग में, और यहाँ पे छोटे छोटे फिशेस है, अभी तो नहीं दिख रहे हैं, मैं और एक किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा जल्दी आओ तो उनको खाना दो, तो वो फिशेस आके खाना खाते हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाना खिलाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हस्बैंड का कंपनी में क्या होता है ना, उनका शिवरात्रि के दिन छुट्टी नहीं होता है क्योंकि सब लोग फास्ट करते हैं, तो नेक्स्ट डे उन लोगों को रेस्ट दिया जाता है, तो नेक्स्ट डे छुट्टी है। दैट मीन्स आज के जो अभी के दिखा रही हूँ मैं, उस दिन छुट्टी है। तो इसके लिए सुबह हम थोड़ा बाहर गए थे, मुझे कुछ काम था और ब्रेकफास्ट भी हमें बाहर ही करना था, तो वहाँ जा रहे हैं। और मेटी बेटी भी वहाँ पर बैठ के कुछ कुछ जो गाना लगा है वो सॉन्ग सुन रही है, कुछ कुछ एक्सप्रेशन कर रही है। तो यहाँ हम आ गए चटनी, यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद मैं कुछ शॉपिंग है वो करके घर जाऊँगी। घर आने के बाद उसको नहला दिया फिर मैंने, और मुझे स्कूल जाना था, मैं एक टीचर हूँ, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मुझे स्कूल जाना था, कुछ काम था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि छुट्टी है तो हम भी चलते हैं, मुझे हार्डली आधे घंटे का काम था, तो वो भी आई है स्कूल और वहाँ पर ग्राउंड में और ग्रास में वो एंजॉय कर रही थी वहाँ पर। तो ये था आज का ये छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को आई होप पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।